ये पहला दूध आता है गाय भैंस का, व्यापारी लोग खरीदते हैं, जो गाय के बच्चे थे बचता है। भाई वही मलाई है, मलाई से धोते हो पहले? हाँ, इसको धोना पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी कचरा रहता है ना, कोई चीज चिपका रहेगा तो मालूम पड़ता है। अरे अपना धंधा भी स्टार्ट होने का समय हो गया है। कितना किलो मलाई है ये? 12 किलो है। एक इस पे क्या एक, एक ट्रे एक थाली में 12 किलो? एक थाली में 12 किलो। और वैसे कितना किलो लगाते हैं आप बनाते? लाता हूँ 12, 14, 15, 16 जगह बिक्री रहता है, वैसा लाता हूँ। कभी ज़्यादा रहता तो ज़्यादा बढ़ा के लाता, कभी कम रहता तो कम लाता हूँ, बिक्री के हिसाब से। बनाते कैसे, बनता कैसे? ये पानी के भाव में बनता है, जैसे आपने ये बनाता है। हाँ, दूध पानी शक्कर को मिक्स करो तो बहुत आसानी से जमता है, गर्म करोगे तो। गाँव घर में तो सभी माता बहन जानती है बनाने के लिए, मुंबई शहर में सबको गांव का चीज नहीं मालूम रहता है। सही बात है। हाँ, घर में कोई कोई अपने से दूध लेता है तो बनाता है, हाँ कोई मांगता है तो भाई उसको दिखाना पड़ता है, दे देता है। दूध का धंधा अपन नहीं करता, खाली मलाई ही बेचता है। टाइम का थोड़ा वो है, तो बनाने में 2 घंटा लगभग लगता है, लेकिन इसको ठंडा होने में 10-12 घंटा लगता है। तो अभी रात को ज़्यादा करके सब माल रात में रेडी होता है, अरे 40-50 घंटे तक खराब होने का चांस नहीं होता है। अच्छा, हमारे 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है? नहीं, ऐसे ही रखेंगे फिर भी नहीं होगा? नहीं, हाँ फ्रिज करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई मिलावट लौट नहीं रहता, प्योर एकदम प्योर है भाई। ये खाली पानी थोड़ा ज्यादा मिक्स रहता है गंदा करने के हिसाब से, जैसे कि भैया बता रहे हैं ये एकदम प्योर है। ये पहला दूध आता है गाय या भैंस का, जो पहला दूध आता है वो पहला दूध व्यापारी लोग खरीदते हैं, जो गाय के बच्चे से बचता है। और अपने इधर के कम लेके आते हैं, उसको मार्केट भी सेल करते हैं, मलाई बनाते हैं। वैसे सेम टेस्ट होता है जैसे गाय के दूध का वो आता है? टेस्ट सेम रहता है, क्योंकि थोड़ा ये रहता है कि टेस्ट में कोई जो नहीं रहता है, मतलब टेस्ट तो सेम रहता है, थोड़ा अपना माल का पतला रहता है, क्योंकि आपको पानी थोड़ा नहीं रहता है, टेस्ट में कुछ फर्क नहीं रहता है। सेम टेस्ट होता है, सेम टेस्ट होता है। कैल्शियम उतना मिलता है, अभी जो रेगुलर दूध पीता है गाय भैंस का, हाँ जितना दूध में प्रोटीन कैल्शियम सब रहता है उससे ज़्यादा इसमें रहता है, इससे ज़्यादा इसमें होता है। अच्छा, शुगर फ्री होता है ये? शुगर फ्री नहीं बनता है, शुगर फ्री नहीं बनता है, शुगर फ्री बनेगा लेकिन अपने को परवड़ेगा, शुगर कम ही करके बनाता है, ज़्यादा शुगर नहीं बनाता है। पर चाहिए तो फ्लेवर है, कोई ऑर्डर तो देता है फ्लेवर बना के देता है, मैंगो कैसा है जो भी फ्लेवर चाहिए होगा वो फ्लेवर बन जाता है, सब फ्लेवर बनेगा, लेकिन आपको एक दो दिन पहले बोलना पड़ेगा। ये जंगली अंजीर रहता है। कौन सा जंगली अंजीर? हाँ, क्या होता है पत्ते से? ये पत्ता भी देता हूँ खाने के लिए। अच्छा, ताकि मेरा मलाई पिघले नहीं। मलाई पिघलता नहीं है पत्ते पे? पिघलता नहीं है, पिघलता नहीं है, अच्छी कारण असली बनेगा, आसानी से मिल जाते पत्ते। नहीं तो मार्केट से खरीद के आना पड़ता, खरीदना पड़ता है पत्ते आपको? 60 रुपया, 100 रुपया, 80 रुपया इतना चाहिए पत्ता, पत्ता मिलता, पत्ता का कोई वो नहीं है, दादर मार्केट में जाते किधर से, अरे ये ऊपर बादाम का ऐसा भी पता चलता है। कैसा किलो बेचते हैं? 200 रुपया किलो, 20 का 100 ग्राम, 50 का 5 ग्राम। 200 रुपया किलो बेचते हैं भाई, 20 का 100 ग्राम मिलता है ये। अपना हाथ है यही साबुन है।
पहले ये बोनी करते हैं भाई इनके हाथों से। रोज आते हैं भाई, सबसे पहले खिलाया जाता है इन डॉगियों को, और ये डॉगी इनके लिए यहाँ पे बैठे होते हैं। हर एक डॉगी को दिया जाता है खाने के लिए।